देखो प्रजातंत्र देश में कोई किसी से नहीं लड़ता है, ना डरता है और ना किसी से डर के मारे किसी को पार्टी ज्वाइन करता है। सिर्फ मुझे ये मेरे ही आइडिया है कि सिरसा से साहब ने जो ज्वाइन किया है वो एक समाज सेवी है। जैसे आपने लंगर लगाते हैं, जहाँ भी कोई दुखी दीन हो तो वहाँ चले जाते हैं, समाज की सेवा करनी चाहते हैं। और अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें एक सहारा चाहिए। सहारा कौन सी पार्टी दे सकती है? कांग्रेस तो दे नहीं सकती, क्षेत्रीय पार्टी दे नहीं सकती। और समाज कहाँ कहाँ बैठा है, समाज की कितनी दिक्कतें हैं, उनको ये पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ जाऊँगा तो मेरे समाज का इसमें भला होगा, हमारा इसमें भला होगा, हमारी समाज तरक्की करेगा। जैसे कि 84 के दंगों की सजा की बात कर लो, कॉरिडोर की बात कर लो, काली सूची की बात कर लो, कहीं भी कितनी लंबी बात है कहीं भी कर लो, और अबार जो समस्या है तो सभी से भी आज जो है मतलब जहां भी लड़ाई झगड़ा हुआ है अगर वहां से अगर सिख बंधुओं को लेके आए हैं, मतलब ये सारी चीज़ें इनको सब पता है कि सिरसा साहब को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी साहब के साथ रखे मैं अच्छी तरह से अपने समाज की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन सर अगर कांग्रेस की बात करें तो आज सिद्धू मूसेवाला ने भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसे देख रहे हो आप? नाटककार आदमी नाटक में जाएगा, समाज सेवा करने वाला समाज सेवा में जाएगा। अब सिरसा समाज सेवा करने वाला है, वो समाज सेवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस तन्नी साहब भी नाटक कभी साफ पकड़ लेते हैं, जब जहां भी जाते हैं कि मैंने बकरी का दूध निकाला है, मैंने भैंस का दूध निकाला है, मैं मंजा बन लेना, मैं टेम्पू चला लेना, मैं ये भी किता है, मैं ये भी किता है, तो ये नाटक ही है जी, इस तरह की गलना करनी। बीजेपी किस तरीके से तैयार है चुनाव के अंदर? तो आप ऐसे क्यों पूछते हो? लेकिन ये सवाल इसलिए है कि पहले गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार भी क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हो या फिर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ रही है? गठबंधन में लड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता है, और जिससे गठबंधन होता था हम उसकी मदद करते थे, वो हमारी मदद करते थे, तो इसलिए हमारा कोई स्ट्रक्चर कोई खत्म नहीं हो गया, वैसे का वैसा पड़ा है। तो लेकिन सभी पार्टियों की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे अब तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार में जुट गई है, लेकिन बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। चुनाव में भी आए ही नहीं। भी बात सुनो, पहले शादी से पहले अगर ढोल बजने लग जाए तो उसका कोई महत्व है क्या? उन्हीं के जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने आरोप लगाया कि डरा और धमका कर उन्होंने उनको पार्टी में शामिल कराया है। पूछो तो सुखबीर जी से पूछो और जत्थेदार जी से पूछो, बीजेपी के निशान पे लड़े कि नहीं लड़े, किसने लड़ाया था, डरा के लड़ाए थे। आप देख रहे हैं नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल वापस हो गया है, लेकिन पंजाब में 2022 में चुनाव है, चुनाव में बीजेपी किस तरीके से तैयार है? हमारे साथ सुरजीत कुमार जानी साहब है। जैन साहब, दिल्ली पहुंचे हो, बीजेपी किस तरीके से तैयार है चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी आज कोई नया काम तो कर नहीं रही, हमारी सेंटर में भी सरकारें है और रही हैं, और स्टेटों में हमारी सरकार है, वार्ड में सबसे बड़ी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, तो आप ऐसे क्यों पूछते हो? लेकिन ये सवाल इसलिए है कि पहले गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार भी क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हो या फिर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ रही है? गठबंधन में लड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता है, और जिससे गठबंधन होता था हम उसकी मदद करते थे, वो हमारी मदद करते थे, तो इसलिए हमारा कोई स्ट्रक्चर कोई खत्म नहीं हो गया, वैसे का वैसा पड़ा है। तो हम 117 सीटों पे लड़ेंगे, हमारे पास वर्कर है, हमारे पास कैंडिडेट है, हमारे पास सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है, और इस बार हम सरकार भी पंजाब में बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? कि हमारी पॉलिसी, हमारी नीति, हमारे काम करने का तरीका, हमारे देश के प्रधानमंत्री का तरीका, और जहाँ जहाँ सरकार हमारी जिस सूबे में रही है वहाँ भाईचारा भी कामयाब हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर भी हुआ है, सूबे ने खुशहाली भी की है, तो सबको पता है कि अगर कोई काम कर सकता है तो एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सभी पार्टियों की बात करें, चाहे अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे अब तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार में जुट गई है, लेकिन बीजेपी कहीं नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी कब अपनी जो चुनावी यात्रा है वो कब शुरू कर रही है? चुनाव अभी आए ही नहीं। अभी बात सुनो, पहले शादी से पहले अगर ढोल बजने लग जाए तो उसका कोई महत्व है क्या? अब इलेक्शन आएंगे तो ढोल बजेंगे, हम सब नज़र आएंगे। अब हमारे पंजाब में कुछ लोग जो है ना वक्त से पहले MLA बन गए और वक्त से पहले सरकार घर में बैठ गए, जब वक्त आएगा जब भी बात होगी ना जी, उससे पहले क्या हो मैंने बताओ, अब होगा आगे जो चुनाव जाब्ता लगेगी, जब हमें 45 दिन चुनाव के मिलते हैं और उसके टाइम सब कुछ हो जाएगा। वैसे हमारी मीटिंगें चल रही है, हमारा सारा सिस्टम हमारा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कोई नया सिस्टम थोड़ा बनाना है। लेकिन ज्ञानी साहब, पहले जो है आपका गठबंधन शिरोमणि अकाली दल बादल से था,
लेकिन जिस तरीके से कृषि कानून बिल के दौरान आपका गठबंधन टूटा है और अब जो नए गठबंधन की बात चल रही है वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ आपकी बातचीत चल रही है, कितनी सिरे पहुंची है, कितना सिरे चढ़ी है? देखो अभी तक तो हमारी पार्टी की तरह हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई हमें संदेश है नहीं और ना ही हमें पता है। ये तो कैप्टन साहब ही अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, अभी मैं पार्टी बनाई है, लॉन्च करूंगा, कैसे करूंगा। अभी हमारी जो हाईकमान है उसमें ऐसी हमारी तरफ से कोई हमें कोई निर्देश पंजाब के नेतृत्व को नहीं मिला है। हमें एक ही नेतृत्व मिला है भी 117 सीटों पर तैयारी करो, 117 सीटों पर लड़ना है, हम 117 की तैयारी कर रहे हैं। अगर कैप्टन से कोई बात हाईकमान में होगी, जो संदेश आएगा हम उस पर पालना करेंगे। लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है, अभी हाल ही में जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष थे मनजिंदर सिंह साहब, वो आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन उन्हीं के जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने आरोप लगाया कि डरा और धमकाकर उनको पार्टी में शामिल कराया है। नहीं, जब पहली बार एक बार यहाँ से लड़े थे बीजेपी के निशान से, जब लड़ा धमका के निशान दिया था क्या उनको? पूछो तो सुखबीर जी से पूछो और उन जथेदार जी से पूछो, बीजेपी के निशान पर लड़े कि नहीं लड़े, किसने लड़ाया था? डरा के लड़ाए थे। तो कोई प्रजातंत्र देश में कोई किसी से नहीं लड़ता है, ना डरता है और ना किसी से डर के मारे किसी को पार्टी ज्वाइन करता है। सिर्फ मुझे ये मेरे ही आइडिया है कि सिरसा से साहब ने जो ज्वाइन किया है वो एक समाज सेवी है। जैसे आपने लंगर लगाते हैं, जहाँ भी कोई दुखी दीन हो तो वहाँ चले जाते हैं, समाज की सेवा करनी चाहते हैं। और अगर समाज की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें एक सहारा चाहिए। सहारा कौन सी पार्टी दे सकती है? कांग्रेस तो दे नहीं सकती, क्षेत्रीय पार्टी दे नहीं सकती। और समाज कहाँ कहाँ बैठा है, समाज की कितनी दिक्कतें हैं, उनको ये पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ जाऊँगा तो मेरे समाज का इसमें भला होगा, हमारा इसमें भला होगा, हमारे समाज तरक्की करेगा। जैसे कि 84 के दंगों की सजा की बात कर लो, कॉरिडोर की बात कर लो, काली सूची की बात कर लो, कहीं भी कितनी लंबी बात है कहीं भी कर लो। और अबार जो समस्या है तो सभी से भी आज जो है मतलब जहां भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर वहां से अगर सिख बंधुओं को लेके आए हैं, मतलब ये सारी चीजें इनको सब पता है कि सिरसा साहब को कि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी साहब के साथ लड़के मैं अच्छी तरह से अपने समाज की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन सर अगर कांग्रेस की बात करें तो आज सिद्धू मूसेवाला ने बीजेपी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कैसे देख रहे हो आप? नाटककार आदमी नाटक में जाएगा, समाज सेवा करने वाला समाज सेवा में जाएगा। अब सिरसा समाज सेवा करने वाला है वो समाज सेवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस चन्नी साहब भी नाटक कभी सांप पकड़ लेते हैं, जब जहाँ भी जाते हैं कि मैंने बकरी का दूध निकाला है, मैंने भैंस का दूध निकाला है, मैं मंजा बन लेना, तो मैं टेम्पू चला लेना, मैं ये भी किता है, मैं ये भी किता है, तो ये नाटक ही है जी। इस तरह की गल्ला करनी तो नाटक करने वाले नाटक वाली पार्टी से जाएंगे, सेवा करने वाले सेवा मुझसे वाले दाते सरसे का कितने मेल है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब दौरे पर कभी भी जाते हैं तो नकली केजरीवाल असली केजरीवाल की अब बात सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं? देखो ऐसे है कि केजरीवाल के मुंह में लाले टपक रही है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूं, पर बन नहीं सकेगा। और चडूनी साहब मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब को इतना सस्ता इतना नरम हमारे वोटर को कैसे लोगों ने समझ रखा है। दिल का दिल करे पंजाब में मुख्यमंत्री बनूंगा, जाके कहता गारंटी, गारंटी को बैंक में देनी है गारंटी, वोट में गारंटी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया लोगों को पता है, अरे इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गारंटी गारंटी धरी रह जाएगी। दिल्ली की जाके मॉडल की बात करता है, दिल्ली में क्या है आरटीआई मांगो, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की योजना से दिल्ली में काम हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो पुल है, ट्रेन है, सब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, आप खरड़ा निकाल के देखो सरी, उस टाइम की प्लानिंग है, उस टाइम प्लानिंग में काम चल पड़ा था। तो इसने क्या किया, इसने तो कुछ नहीं किया नाटक के सिवा। 1000 रुपये जो 18 साल से उम्र की महिलाएं ऊपर से महिलाएं हैं उनको देने की बात कही है। मेरे तो सभी राजनीति के सबको ये अच्छा है कि हमें काम दो, आराम मत बढ़ाओ, काम दो लोगों को, अपने मेहनत से काम करें। बीजेपी तो तैयार है चुनाव में जाने के लिए? तैयार है, बीजेपी कोई छोटी पार्टी है, नेशनल ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी, हमारी सबसे बड़ी मेंबरशिप है भारतीय जनता पार्टी, हमारे स्टेटों में सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री है। तो कब से रैली शुरू कर रहे हैं फिर पंजाब में? बस अभी देखोगे, आपको बुलाएंगे वहां जब रैली करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे सुरजीत कुमार जानी जिन्होंने नव द टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर खबर नाल अपडेट रहने ले साडे जगबानी टीवी दे इंस्टाग्राम अकाउंट नु फॉलो करो और दोस्तां ते मित्रां नाल ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।